बात वहाँ बढ़ाती है, महसूस करता है, छोड़ दो, इससे ऐसे दुख होता है उसको। तक मेरे जो सांस रहेगा तब तक जो है मैं कोचिंग में छोड़ नहीं सकता। मेरी ये है कोई ना कोई बच्चा जो है मेरे हाथ से ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले। जो 16 में ओलंपिक लिया उसमें जो है पूरी आस उम्मीद थी गोल्ड मेडल की, और 20 में थी लेकिन रह गई, और 24 में तो पक्का ही था जो ओलंपिक गोल्ड मेडल लेगी, और वो जो वंचित रहेगी डिस्क्वालीफाई कर दी। तो स्वाभाविक बात है जो कोई भी हो तो क्यों उसकी जो आत्मा भराती है महसूस करता है, छोड़ दो, इससे ऐसे दुख होता है उसको भाई ये जो 3 इवेंट ले लिया उसने ये। तो ये है वो आएगी, उससे सब मिलके बजरंग हम सब मिलके जो करेंगे उसको समझाएंगे, फिर इसके बाद में कोई फैसला होगा। दोबारा खेलने के लिए प्रयास करेंगे आप? हाँ बिल्कुल, ये तो कोशिश होगी 2028 के लिए जो है उसको जो समझाएंगे भी, हम सब मिल के आएगी जब बैठ करके करेंगे बात, लड़ना है या नहीं कैसी, सब मिल बैठ के बात करेंगे। फ़ोन पे बात हुई आपकी? ना फ़ोन पे बात नहीं हुई मेरी, अब मेरी सुबह पता लगा था 5 बजे भाई ऐसे से मैंने किया है। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री, उन्होंने घोषणा की है ओलंपिक में जो सिल्वर मेडल की पुरस्कार है वो पुरस्कार देंगे, 1.5 करोड़ रुपये की घोषणा की है और सरकारी सुविधाएँ देने की बात कही है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए जो कि बहुत बड़ी है जो ये शुरुआत की है जो मुख्यमंत्री ने, जो प्लेयर जो सोचा भी जो ने मान लिया भी उसका सिल्वर मेडल था, तो बहुत बढ़िया घोषणा है। तो मुख्यमंत्री का जो घोषणा है उसको समर्थन करता हूँ? बिल्कुल समर्थन करता हूँ, बहुत बढ़िया कदम है ये। तो और बच्चों को भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगी? बिल्कुल प्रेरणा मिलेगी, जो भविष्य में जो ऐसी घटना घटती है होता है तो ये पहल किया मुख्यमंत्री ने, धन्यवाद कि इसके जो गेम के प्रति जो इनकी सोच है, जो गेम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो प्रोत्साहन राशि की जो घोषणा की है, धन्यवाद करता हूँ हरियाणा सरकार को। परिवार में और जो बच्चे हैं उनको भी तैयारी कराएंगे ओलंपिक के लिए? बिल्कुल, देखिए जो जब तो सांस रहेगा मेरी कोशिश होगी जो है भाई ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए, और जो हमारी जो 5 लड़के ने आपकी बार क्वालिफाई किया है तो ये भी एक सौभाग्य की बात है, जो हमारे लड़के आगे बढ़ रही हैं, जो उनके माँ बाप से, उन लड़कियों से, उनके कोचिज से मैं निवेदन नरम प्रार्थना करता हूँ वो उन बच्चियों को जो आज से जो 28 के ओलंपिक के लिए तैयारी के लिए ज़्यादा मेहनत करवाएं, और मेरी शुभकामनाएँ जो है 2028 के में वो बेटियाँ भी जो है गोल्ड मेडल लेके आएँ। आप खुद भी कोच का रूप अब दोबारा निभाने जा रहे हैं? देखिए मैं तो कोचिंग छोड़ी नहीं है, जब तक मेरे जो सांस रहेगा तब तक जो है मैं कोचिंग में छोड़ नहीं सकता। मेरी ये है कोई ना कोई बच्चा जो है मेरे हाथ से ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले।